नमस्कार दोस्तों, द एग्जामपुर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यू नोटिफिकेशन के बारे में जो वेस्ट बंगाल पुलिस के लिए जारी हुआ है। वेस्ट बंगाल में पुलिस की भर्ती होने वाली है उसके लिए जारी किया गया है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्टेज कितनी है, कब से स्टार्ट होने वाले फॉर्म, लास्ट डेट क्या है, कितनी एप्लीकेशन फीस है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या जो पड़ोसी राज्य हैं या साइड के जो राज्य हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल क्राइटेरिया वो क्या क्या होने वाला है, क्या क्या उसका सिलेबस वगैरह है, मतलब इसका टोटल है वो हम इसका डिटेल में बात करेंगे। आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, वीडियो कंटिन्यू करें फ्रेंड्स। इससे पहले जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हम सभी गवर्नमेंट जॉब्स और मुख्यतः रेलवे के बारे में आपको एक एक न्यू नोटिफिकेशन है, नई जो अपडेट है वो समय पर लाते रहते हैं। कोई भी न्यूज नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक वीडियो लेके आते हैं, और कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए इसके लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखें तो कि ये जो रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन है वो वेस्ट बंगाल पुलिस के लिए वो जारी हुआ है, यानी पश्चिम बंगाल में पुलिस की भर्ती होने वाली है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन है उसके लिए रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया। टोटल नंबर ऑफ पोस्टेज की बात करें तो 8419 पोस्ट है, 8419 पोस्टेज पर भर्ती होनी है। अब इसमें नीचे देखें तो जॉब टाइप की बात करें, जॉब टाइप स्वाभाविक है, गवर्नमेंट जॉब्स है ना। पश्चिम बंगाल में पुलिस की भर्ती है तो ये गवर्नमेंट जॉब्स ही है। ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें तो वेस्ट बंगाल है, वो पुलिस खुद इसको कंडक्ट करवाएगी, यानी वेस्ट बंगाल पुलिस है वो इसको खुद इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगी, इस पूरी प्रोसेस को संभालेगी। टोटल वैकेंसीज हमने देख ली, 8419 है टोटल वैकेंसीज है, और नीचे इसका वो विभाजन किया हुआ है। जैसे अनरिजर्व की बात करें तो 2982 है, अनरिजर्व इसी है 1638 है, शेड्यूल कास्ट SC ST वगैरह, नीचे इनका वो अलग अलग विभाजन किया हुआ है, और टोटल इनका योग करने पर ये 8419 होती है। आप जॉब लोकेशन की बात करें तो वेस्ट बंगाल है, वो जॉब लोकेशन पश्चिम बंगाल ही है। नेम ऑफ द पोस्ट की बात करें तो कांस्टेबल है, यानी केवल कांस्टेबल के लिए वो भर्ती होने वाली है, बाकी जो SI वगैरह बाकी जो पद है उनके लिए नहीं है, केवल कांस्टेबल के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो द एप्लीकेंट्स मस्ट हैव पास्ट माध्यमिक एग्जामिनेशन फ्रॉम द वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कम से कम है वो सेकेंडरी तक है वो शिक्षा हासिल की हुई हो, या इसके इक्विलेंट अगर कोई शिक्षा आपके पास कोई कुछ है इसका सर्टिफिकेट वगैरह तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें 18 ईयर्स है वो मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज है और 27 वर्ष है वो मैक्सिमम एज है, और एज का जो आधार मनाया गया है वो 1/1/2019, यानी आपकी कम से कम एज है वो 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिक से अधिक एज है वो 27 वर्ष होनी चाहिए, और इन दोनों का आधार है वो 1/1/2019 है, यानी 1/1/2019 तक आप 18 वर्ष की आयु पार कर चुके हो या आपकी आयु 18 वर्ष हो गई हो और 27 वर्ष से अधिक ना हो। नीचे है हु कैन अप्लाई, यानी कौन है इस कौन कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या जो पड़ोसी राज्यों के जो भी कैंडिडेट जो इच्छुक युवा है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, केवल वेस्ट बंगाल के जो नागरिक हैं ओनली वेस्ट बंगाल रेजिडेंसी युवा ही इसको इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, यानी फिजिकल रिटर्न और इंटरव्यू ये तीन चरण होंगे, तीन चरणों के बाद है आपकी कट ऑफ वगैरह निकाल के आपको सिलेक्शन दे दिया जाएगा। नीचे इसके पे स्केल की बात करें तो 5400 से 25000 तक इसका पे स्केल रहेगा। अप्लीकेशन फीस की बात करें तो ऑल कैटेगरीज एक्सेप्ट SC ST, यानी SC ST को छोड़ के बाकी के लिए मेल फीमेल दोनों ही, चाहे वो जनरल के हो OBC के हो या एक सर्विसमैन हैंडीकेप्ट वगैरह जो भी हो उनके लिए ₹150 एप्लीकेशन फीस है और ₹20 वो इसकी प्रोसेसिंग फीस अलग से लगेगी, और टोटल का योग करने पे ₹170 आपको देने होंगे। SC ST की बात करें तो ₹20 है वो केवल प्रोसेसिंग फीस ₹20 देनी है, ₹150 आपके नहीं लगेंगे। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो ये फॉर्म है वो 5/2/2019, यानी ये फॉर्म आज से स्टार्ट हो चुके हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो है 5/3, यानी 5 ही तारीख है अगले महीने की, 5 मार्च 2019 इसके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। हाउ टू अप्लाई, यानी इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करें। एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन अप्लाई बाई ऑनलाइन थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट एट www.policewb.government.in, यानी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार है वो पश्चिम बंगाल पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट जो यहाँ आपको दिखाई दे रही है इस पर जाके आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, या आप सुविधा के लिए साइबर कैफे वगैरह वहाँ से भी अपना फॉर्म है वो भरवा सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करें तो
नोटिफिकेशन लिंक है, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ आप इसका जो पीडीएफ के रूप में पूरा है एकदम अच्छे से पढ़ सकते हैं। और यदि आप फॉर्म वगैरह स्वयं बना चाहते हैं तो इसका मैं जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो लिंक है वेबसाइट का, वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको आप एक बार एनालिसिस करके पीडीएफ को, जो रिक्वायरमेंट पीडीएफ नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ, उसको एक बार अच्छे से पढ़ के आप फॉर्म वगैरह स्वयं भर सकते हैं।